केवल योग और नृत्य में ही नहीं बल्कि एक कुशल गृहिणी के रूप में भी घर परिवार की जिम्मेदारियों और मर्यादाओं को बखूबी ढंग से निभाती हैं प्रतिष्ठा। उनके हर काम में हमेशा साथ निभाते आए हैं उनके पति धीरज सारस्वत। योग हो या कथक हो, उसके लिए तो वो जानी ही जाती है देश विदेश में अपने इस फील्ड में, पर एज ए लाइफ पार्टनर भी वो अपना पूरा टाइम देती है और पूरा मुझे अच्छी तरह से हमारे घर की जितनी भी मर्यादा है सबको पूरी तरह से निभाती है। वहीं दूसरी ओर प्रतिष्ठा भी अपनी सफलताओं का श्रेय माता पिता के बाद धीरज को ही देती है। मैं जीवन में जो भी कुछ कर पाई हूँ उसका सबसे बड़ा क्रेडिट अपने पेरेंट्स के बाद में धीरज को ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है और मुझे शुरू से ये पता था कि जीवन में मैं किसी भी मोड़ पर खड़ी हूँ और पूरी दुनिया भी मेरे अगेंस्ट हो तो धीरज हमेशा मेरे साथ होंगे। प्रतिष्ठा को भारतीय संस्कृति और रीति रिवाजों से बेहद लगाव है। उनकी दिनचर्या की शुरुआत योग और नृत्य के अभ्यास के अलावा यज्ञ एवं हवन से भी होती है। हिंदी भाषा के प्रति उनका प्रेम जग जाहिर है। अबुल कलाम जी के साथ आइसलैंड जाने का मौका मिला। एक बुजुर्ग सा ड्राइवर दिया गया था, वो वहीं का रेजिडेंट था। हम उनके साथ घूमते रहते थे, वो हमें इधर उधर घुमाते थे, पुलिस प्रोटेक्शन में ही रहते थे हम। उन्होंने मुझसे पूछा कि विच काइंड ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक इन इंडिया, कौन सी भाषा तुम हिंदुस्तान में बोलते हो। तो मुझे एक बड़ा आम सा सवाल लगा और मैंने बता दिया वी स्पीक हिंदी। यू मीन ऑल द इंडियंस स्पीक इन हिंदी, क्या सारे ही हिंदुस्तानी हिंदी में बोलते हैं? ऐसे नहीं, हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं, उन अलग अलग स्टेट्स की भाषा है, लेकिन हाँ मूल रूप से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा अलग अलग है। बोले ओ व्हाट काइंड ऑफ हिंदी, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल योर हिंदी, कि मैं तुम्हारी सारी हिंदी समझ सकता हूँ। तो मुझे काफी विचित्र लगा, तो मैंने पूछा कि ऐसे कैसे। तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो शायद हर हिंदुस्तानी को हिला देने वाला है। उन्होंने कहा कि फोर वर्ड्स इन हिंदी, देन फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश, देन फोर वर्ड्स इन हिंदी, देन फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड ऑल योर इंग्लिश, ऑल योर हिंदी। आप ऐसी हिंदी बोलते हो कि आप चार शब्द हिंदी में बोलते हो फिर अंग्रेजी बोलते हो। वहां कहीं मुझे लगा कि सचमुच हम अपनी सभ्यता को खोते चले जा रहे हैं। वाकई हमें उन देशों से सबक लेना चाहिए जिन्होंने अपनी भाषा के दम पर तरक्की की, लेकिन सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि संस्कृति और कला के उत्थान के लिए भी हमारी आज की युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम लोग कह रहे थे कि आजकल के बच्चे तो जैज और सालसा सीख रहे हैं, आप ऐसे में कथक को कहाँ खड़ा पाते हैं। मैंने कहती हूँ ठीक है, दूसरे की तरफ आकर्षण ज्यादा होता है तो इसलिए विदेशी आकर के कथक सीख रहे हैं। जैज और सालसा सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कथक को ना जानना, अपनी संस्कृति को ना जानना, इसमें बुराई है। प्रतिष्ठा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनकी शख्सियत के मुरीद होकर रह जाते हैं। अपने अंदर की ऊर्जा से वो हमेशा दूसरों को भी ऊर्जावान बनाती है, इसीलिए तो उनको जानने वाले उनकी तारीफ करते नहीं थकते। उनसे सीखने का इतना कुछ मिला है कि अगर उसको बयान किया जाए तो मुझे लगता है कि समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी हमने आज तक उनसे जो भी कुछ सीखा है, जो भी कुछ पाया है, अगर हम उसका एक क्षण भी बन पाए तो हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं बचपन से दीदी के साथ रहा हूँ, दीदी की परफॉर्मेंसेस देखी हैं, उन्हें अलग अलग जो उन्होंने चीजों को निभाया है उनको देखा है। अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि दीदी एक परफेक्शन का सिंबल है। उन्होंने जो भी कोई काम किया है उसको इतने अच्छे ढंग से निभाया है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती थी उससे ज्यादा उन्होंने उस चीज को बेहतर ढंग से करके दिखाया है, चाहे वो एक नेत्रांगना के रूप में हो, चाहे वो यंगेस्ट योगाचार्य के रूप में हो। प्रतिष्ठा के लिए जीवन का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है, इसलिए वो आज की युवा पीढ़ी को ऐसा इंसान बनने की सलाह देती है जो अपने समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे। पर्पस ऑफ लाइफ इज अ पर्पसफुल लाइफ, जीवन का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण जीवन। योगी बनो, उपयोगी बनो, क्योंकि जब तक उपयोगी नहीं हो वेस्ट मटेरियल को कोई नहीं पूछता है। जितना उपयोगी इस संसार के लिए, हम कहते अरे स्कूल ने हमारे लिए क्या किया, अरे देश ने हमारे लिए क्या किया, अरे समाज ने हमारे लिए क्या किया, ना तुमने देश के लिए क्या किया, तुमने समाज के लिए क्या किया, और फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में वो सब मेरे इस पिंड में भी है। इसलिए यू आर द बेस्ट, योगी बनो, उपयोगी बनो।
कथक और योग के बलबूते भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपने नाम का परचम लहराकर भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठित करने वाली नृत्यांगना और योग साधिका आचार्या प्रतिष्ठा को फोकस प्रेम का सलाम।